सर स्वागत है आपका satyendhi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज बात करते हैं कोरोना के तीसरी लहर की। जी हां, एक रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से चिंता लोगों के मन में काफी बढ़ गई है कि अगर तीसरी लहर आती है तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और ये रिपोर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की, यानी कि NIDM। इन्होंने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था और उस पैनल ने अपनी एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को दी है और उस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा गया है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो अक्टूबर के महीने में पीक करेगी, यानी कि बिल्कुल चरम सीमा पर होगी तीसरी लहर और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो तैयारियां पेडियाट्रिक वार्ड्स में होनी चाहिए थी वो तैयारियां दूर दूर तक अभी कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। और जब पेडियाट्रिक वार्ड्स की हम जब तैयारियों की बात करते हैं तो पेडियाट्रिक वार्ड्स में वेंटिलेटर्स, बेड्स, एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स, इन सारी चीजों की बात की जाती है और इन सारी तैयारियों को लेकर इस NIDM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पैनल है जो गृह मंत्रालय के अंडर में बना है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये तैयारियां पूरी तरह से नाकाफी हैं। अगर तीसरी लहर बिल्कुल दूसरी लहर की शक्ल में वापस लौटती है, यानी कि अगर बहुत सारे बच्चे भारी संख्या में अगर ग्रसित होते हैं तो हमारे पास तैयारियां अभी पूरी तरह से नहीं है। इसके बाद उस रिपोर्ट में यह भी सजेस्ट किया गया है कि जो कोविड वार्ड्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि जब बच्चे बीमार पड़ेंगे तो आपको वार्ड्स के साथ साथ उनके साथ जो अटेंडेंट्स रहेंगे उनकी भी तैयारियां करने की जरूरत है, उनको भी जगह देने की जरूरत है। तो उस तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग अभी पेडियाट्रिक वार्ड्स में नजर नहीं आ रही है, ऐसा मानना है NIDM के पैनल का। इसके बाद कमेटी ने कुछ और सुझाव दिए हैं। कमेटी ने कहा है कि एक होलिस्टिक केयर मॉडल होना चाहिए, होम केयर मॉडल होना चाहिए जहां पर घर में ही बच्चों की देखरेख की जा सके। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो पीडियाट्रिक वार्ड्स हैं उनकी कैपेसिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। और एक उदाहरण दिया गया है एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का, इसी रिपोर्ट NIDM की रिपोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर करीब 42% यानी कि 82% शॉर्टेज है पेडियाट्रिशियंस की प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और 63% कमी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। तो अगर इतनी भारी संख्या में हमारे पास पेडियाट्रिशियंस नहीं है और अगर तीसरी लहर वापस बच्चों को उसी तरह से ग्रसित करती है और वो भी एक ऐसे समय में जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम ज्यादा नहीं देख रहे, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, तो ऐसे में बच्चों का क्या होगा, इसको लेकर NIDM की इस रिपोर्ट ने काफी चिंता जताई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट है जो दूसरी लहर की उसमें देखा गया था कि जो 60-70% बच्चे थे जिनको जो कोविड से ग्रसित थे उनको कोमॉर्बिडिटीज थी, तो अगर ऐसे बच्चे अस्पतालों में आते हैं तो उनके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि आर वैल्यू जिस तरीके से बढ़ रहा है, आर वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जिसपे कि वायरस मल्टीप्लाई करता है, तो केरला का एग्जाम्पल दिया गया है कि केरला में देखिए आर वैल्यू कहां से कहां बढ़ गई, इस समय 1.1 है। और जो आर वैल्यू समय ज्यादातर इलाकों में बढ़ती हुई देखी जा रही है कि वो 0.9 से लेकर अब 1 पर आ गई है, यानी कि एक चिंता का विषय है। अक्टूबर के महीने में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इस समय हमारे पास तैयारियां नहीं है और हमारा वैक्सीनेशन रेट वो भी बहुत ज्यादा धीमी गति पर चल रहा है। अगर यूएसए उसको कंपेयर करें तो हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है दोनों डोजेस के लिए वो 8% बताया जा रहा है, 9% बताया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स ने, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट्स इस NIDM का पैनल का हिस्सा थे और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको बढ़ाया जाए, टीकाकरण के अभियान को बढ़ाया जाए और किस तरह से हम बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं उस पर फोकस किया जाए। और जिस तरीके से नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, इस रिपोर्ट का मानना है कि उसकी वजह से जो हम 70% हर्ड इम्यूनिटी की बात करते थे वो 70% से बढ़कर अब 80-90% हो गई है, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 80-90% वैक्सीनेशन जरूरी है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है और हमें जो हर्ड इम्यूनिटी लेवल पर अचीव करना है उसमें कितना डिफरेंस है। लेकिन आज मैंने
डॉक्टर योगेश सरीन हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर भी हैं दिल्ली के कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड है। उनका एक मैंने डिटेल्ड इंटरव्यू किया था, आप थोड़ी देर बाद उसको सत्य हिंदी पर देख सकते हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी एक मीटिंग अभी हाल में हुई थी और ये बोला गया था कि जितने भी जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं उनमें 15 अगस्त तक सारी तैयारियां हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से वो 1 से 1.5 महीने डिलेड है ये पूरा प्रोसेस। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि नर्सेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और पेडियाट्रिक वार्ड्स में डॉक्टर्स नहीं है। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के लिए उन्होंने मांग भी की थी और ये बातें हेल्थ मिनिस्ट्री को पता है, लेकिन डॉक्टर सरीन ने उस इंटरव्यू में बिल्कुल कहा है कि जब डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद जब नए मिनिस्टर आए और जब मंत्रालय बदला तो उस बीच में जो पूरी गति थी स्वास्थ्य मंत्रालय के काम की वो धीमी पड़ गई है, अप्रूवल्स में डिले हो रहा है। तो ये सारी बातें डॉक्टर सरीन ने बताई, खुद वो एक डायरेक्टर है, प्रोफेसर भी है। जो थर्ड वेव में बच्चों के लिए हम पीडियाट्रिक आईसीयू सर्विसेज देना चाहते थे, उम्मीद थी पहले कि 15 अगस्त तक हम पूरा कर लेंगे, लेकिन उसमें कुछ हफ्तों का डिले हो गया है। तो बेसिकली नई सर्विसेज के लिए हमें स्पेस तो हमने एलोकेट कर ली है, हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए जैसे कि वेंटिलेटर, कुछ मॉनिटर्स और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स। और साथ में ही हमको ये जो आईसीयू फैसिलिटीज बड़ा एचआर इंटेंसिव होता है, तो उसके हिसाब से हमको डॉक्टर, नर्सेज, बुक्सी, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा वो सब चाहिए। तो वो हम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आते 2 हफ्तों में हम वो सब चीजें एस्टेब्लिश कर लेंगे। थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल है बट हो जाना चाहिए जब तक कोविड वेव थर्ड वेव हिट करेगी और बच्चों को हमारी जरूरत पड़ेगी। नहीं, लेकिन NIDM ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पीक होगा अक्टूबर का महीना, इसमें तीसरी वेव में, तो उसको लेकर आपको लग रहा है कि तैयारियां पूरी तरह से हो गई हैं? क्योंकि जिस तरीके से फिगर्स आ रहे हैं कि जो PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर पीडियाट्रिशियंस 82% कम है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 63% की कमी है, ये खुद पे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो इस बात को कहती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दूसरी वेव जैसी स्थिति अगर आ जाती है तो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, तो कैसे हम डील करेंगे उस सिचुएशन को? मैं NIDM की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ अपने अस्पताल और जो हम ये 3 बड़े मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है उसके बारे में कह सकता हूँ। बाकी जो ओपिनियन है वो शायद आपको मिनिस्ट्री से प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बच्चों को लेकर टीकाकरण के को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है कि बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, तो ये कैसे होगा? हमारा वैक्सीनेशन रेट तो वैसे ही बहुत कम है US के कंपैरिजन में, और भारत का वैक्सीनेशन रेट इस समय 9% चल रहा है जो दोनों डोजेस का है, तो ऐसे में बच्चों को वैक्सीनेट करना ये कितना संभव हो पाएगा जल्द से जल्द? एक्चुअली पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इनिशियली हम मतलब सरकार की तवज्जो बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए नहीं थी, कुछ ट्रायल्स चल रहे थे कुछ जगह में, अभी कुछ और एक रेडस कैडिला कंपनी को भी वैक्सीन बनाने को दे दिया है और ये लोग 12 साल से ऊपर के बच्चों को, 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद शायद 5 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ घबराने की बात है, जो इंसिडेंस होगा बच्चों के अफेक्टेड का वो शायद पिछले वेव जैसा ही होगा, अनलेस कि आप पूरे स्कूल खोल देते हैं, बहुत मिक्सअप होने देते हैं उनको। लेकिन जरूर के ये हमने देखा है कि जो बच्चों को प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीपल ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है और उनको ICU सर्विसेज इमीडिएटली चाहिए होती है, तो ऐसे में एटलीस्ट कुछ एपेक्स टर्शरी सेंटर्स को बिल्कुल अभी तक तैयार हो जाना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों में तैयार हो जाना चाहिए, और फिर वो जो ग्राउंड लेवल पे छोटे शहरों और गांव में वहां पे उनका डायग्नोसिस हो सके और उनको जल्दी से एम्बुलेंस से ट्रांसफर किया जा सके, अगर ये सब संभव हो पाया तो बच्चों को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर ये जल्दी आ जाती है और ये सब इंतजाम नहीं होते हैं तो श्योर बच्चों में भी कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं।
तो बच्चों के लिए खतरे की घंटी है ये तीसरी वेव, ये आप मानते हैं एज अ डॉक्टर? बच्चों के लिए हमेशा से खतरे की घंटी थी तीनों वेव्स में। उसके लिए मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अनोखा होगा, लेकिन यहाँ श्योर क्योंकि नए डेल्टा प्लस जैसे स्ट्रेन आए हैं तो प्रॉबेबली कुछ बच्चों को डेफिनेटली आईसीयू सर्विसेज, वेंटिलेटरी सर्विसेज वगैरह चाहिए होंगे। लेकिन आप ये बात मानते हैं कि जिस तरह से और जिस तेजी से चीजें सुनिश्चित की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है? पीएम ऑफिस बहुत इंटरेस्टेड था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक हम लोग वो सब इंतजाम कर लें, पर मुझे उसमें लगता है कि 2-4 हफ्तों का थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन वेव अगर 1 सितंबर या अक्टूबर तक आता है तो हम लोग काफी इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑक्सीजन को लेकर जो स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए, बेड्स को लेकर होनी चाहिए, वो दिल्ली के अस्पतालों में, सेंट्रल हॉस्पिटल्स में उन्होंने कहा था कि नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है वो डिलेड है। तो अगर दिल्ली के अस्पतालों में ये आलम है तो आप सोच सकते हैं दिल्ली के ये टर्शरी हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ, जो अर्बन टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, अगर वहां पे ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, छोटे शहरों के जो अस्पताल हैं वहां पर किस तरीके की कमी से जूझ रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता अगर तीसरी लहर बिल्कुल दूसरी वेव के शक्ल में आती है तो उसमें बच्चे कहाँ जाएंगे और बच्चों को कैसे अटेंड किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बीच में कई स्कूल्स भी खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में बच्चों के लिए कितना बड़ा रिस्क है। सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बच्चों के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। तो क्या सरकार ने दूसरी लहर से क्या सबक नहीं सीखा, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और तैयारियों पर तेजी कब लाई जाएगी, पेडियाट्रिक वार्ड्स को तेजी से कब सुनिश्चित किया जाएगा, ये देखने वाला मसला है। लेकिन जो ये रिपोर्ट है वो काफी चिंताजनक है क्योंकि इसके मुताबिक अक्टूबर के महीने में तीसरी लहर पीक पर होगी, हमारे बच्चे क्या करेंगे। अभी आपने देखा था कि 2-3 दिन पहले ही जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, उनकी सरकार तैयार है। तो अगर इस तरीके के हालात अगर हमें पेडियाट्रिक वार्ड्स में नजर आ रहे हैं तो ये वाकई में सरकार के सारे दावों की पोल खोलता है। अगर अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं तो आज पेडियाट्रिक वार्ड्स में बेड्स क्यों नहीं है, पेडियाट्रिक वार्ड्स में ऑक्सीजन का स्टॉक क्यों नहीं है, पीडियाट्रिक वार्ड्स में डॉक्टर्स क्यों नहीं है, नर्सेज पर इतना बर्डन क्यों है, ये सारे बड़े सवाल हैं और जिनको लेकर सरकार के पास इस समय कोई जवाब नहीं है। और सीधी सी बात है कि जिस तरीके की स्पेंडिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके का फोकस होना चाहिए था सरकार का, वो नजर नहीं आया है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @nilu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा साथ ही हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।